राक्षस के किले में। उस राक्षस का नाम क्या है? वाणासुर। ये कुवल है, कुजी हमारा, और कुवी का कज़न है शिवा। तो देखो वैसे आज हम आए हैं वही राक्षस के किले में, जैसे बच्चों ने आपको बताया। और ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है वाणासुर किला, और ये वाणासुर किला का रास्ता है। ये यहाँ से पूरा जैसे पहाड़ी एरिया है, यहाँ तक तो हम गाड़ी में जैसे जैसे आ गए, मगर अब यहाँ से क्या है, यहाँ से अब चलो अंदर, अंदर चलो आप, आज दिखाते हैं आपको। चलो अब यहाँ से बताते हैं कि करीब करीब 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही पैदल है, मतलब कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, पैदल जाना पड़ेगा। या तो ऐसे सीमेंटेड रास्ता है, या फिर यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, और वो ऊंचाई पे, अगर आपको दिख रहा होगा ऊंचाई पे जो हाइट है वहाँ पे हमको जाना है। और करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये रास्ता यही चढ़ जाएंगे। ये चलो यही गए थे, यही चलते हैं, अभी हम ऊपर चलते हैं। नहीं रास्ता यही है क्या? हाँ यही होगा, आ जाओ। हमें तो ये भी नहीं पता कौन सा रास्ता है, बस चलते चलते ढूंढते हैं हम। बच्चे चल रहे हैं, यही है, आगे खड़े आ जाओ। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ उस चोटी को कि वो कितनी दूर है। वो चोटी वो आपको ऊपर दिख रही है, वहाँ हमें पहुँचना है। ये बच्चे अपना भी चलेंगे, चलो बेटा चलो, चलो 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 जल्दी चलो। और अब चोटी पे चल के फिर मैं आपको आगे के नज़ारे दिखाऊंगा। हम वाणासुर के किले में जा रहे हैं, वहाँ पे वो किला है। हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं, और ये खुजी के, हमारे खुजी के पैर दुख गए। चलो बच्चे थक गए हैं बहुत, ये बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा आप दोनों यहीं खड़े रहो, आप दोनों यहीं खड़े रहो, मैं आप लोग को और लोग भी दिखाता हूँ कैसे आ रहे, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। वो आ रहे बाकी लोग पीछे पीछे, बच्चे थक चुके हैं। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। आओ अभी आधे रास्ते पे नहीं पहुँचे, सबकी स्पीड स्लो होती जा रही है। और कौन बचा? ये रे, फोटो खींचते खींचते कैसा लग रहा भाई साहब? बहुत अच्छा। थके नहीं अभी? खड़ी है, चढ़ाई बहुत खड़ी है। हाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है, आधे रास्ते पहुँच गए, ये नज़ारा है। हमने सुना था कि जब पूरी ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से हमें शायद वही हिमालयन रेंज भी दिखाई देगी। आज मौसम साफ है, बादल नहीं है ज़्यादा, तो शायद हमें पहाड़ भी देखने को मिल जाए। उतनी ऊंचाई पे वहाँ पे जाना है, क्योंकि किला वहाँ पे है। अभी तो आधे रास्ते ही पहुँचे, आधा रास्ता हमारा बाकी है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे जो पापा हैं बहुत थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। और बच्चे इतने मौज मस्ती में कि चल बेटा सेल्फी ले ले। ये देखो बच्चे, हमारे पापा, हमारे पापा यहाँ पे आराम करते हुए थक गए। चलो चलो अभी और ऊपर चलते हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, अभी हमें चोटी अभी भी दूर है, उस चोटी पर पहुँचना हमको। और मैं आपको नीचे के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखो वो रास्ता है, मैं लो आपको दिखाता हूँ, बाकी लोग है। वो आ रहे लोग, वो बहुत पीछे अभी, एकदम खड़ी चढ़ाई है, हर किसी के बस की है नहीं चलना। तब पापा जी पढ़ना उसको, ओके। ये सारी की सारी जगह यहीं पे हमें जाना है, धीरे धीरे करके। बच्चे आगे आ रहे हैं और बड़े थक चुके हैं पूरी तरीके से, बड़े थक चुके हैं। हाँ। ये नज़ारा देखने के लिए हम चोटी पे जा रहे हैं। इतनी मेहनत करके ऊपर, हाँ
लेकिन अभी तो हम चोटी पे पहुँचे नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ अभी चोटी, ये देखो चोटी अभी भी ऊपर है। ये 2 किलोमीटर कम नहीं होता, बच्चों के साथ है, बच्चे थक गए हैं। वहाँ देखो, अरे बाबा जी ये रहे बच्चे, बच्चे और ये है वो नज़ारा जिसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यार देखो क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा, क्या नज़ारा है। और यहाँ पे मुझे हिमालय रेंज दिखाई दे रही है, पता नहीं शायद कैमरा क्वालिटी में इतनी, फ़ोन की क्वालिटी में इतनी अच्छी ना आए, आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। अभी और ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पे, तब आपको दिखाता हूँ। ओह आगे राक्षस किले में। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे आपने क्या देखा है? क्या देखा आपने यहाँ पे? हाँ नीचे सब ऊपर आ गए हैं। ऊपर आ गए हैं। हाँ। चलो भाइयों कुजी आ गया और मैं दिखाता हूँ यहाँ से क्या नज़ारे हैं। जो राक्षस का किला था, राक्षस का किला खैर वाणासुर, कुछ लोग वाणासुर बोलते हैं, कुछ लोग बाणासुर बोलते हैं इसको। इसकी एक छोटी सी स्टोरी ये है, एक राक्षस था लोहा घाट में, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये। उसने इन पर्वतों में से एक जो सबसे ऊंचा पर्वत था उसकी चोटी पर उसने अपना किला बनाया। रुक जाओ कुवल, कुवल बेटा वहीं रुक जाओ, आप वहीं रुक जाओ कुबी है। उसने सबसे ऊंची चोटी पर अपना किला बनाया था, जैसे बहुत से राजा महाराजा भी करते थे, ऊंची ऊंची चोटी पर किले बनाया करते थे। अब उसका वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के पोते का अपहरण कर लिया था, इसलिए उन्होंने उसका वध कर दिया था। ये है यहाँ से, वहाँ पे हिमालयन रेंज भी दिख रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत थोड़ी मात्रा दिख रही है। ये नज़ारा भी बहुत बढ़िया है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ किले में है क्या, बाकी पौराणिक कथाएँ हैं। ये रहे सारे बच्चे आ गए, सही बता रहा हूँ। 2-2.5 किलोमीटर भी चल के आना इन बच्चों के लिए, किसी बच्चे को गोदी में नहीं लिया, सब अपने आप आए दौड़ते भागते हुए। अभी तक जो बड़े लोग थे हमारे साथ वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन बच्चे आ गए। हाँ तो एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ये है, ये एक गुफा है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस साइड से। यहाँ से एक छोटा सा गेट है, ये है एक गेट, यहाँ से सीढ़ियाँ अंदर जा रही है, बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं ये। और यहाँ पे ही ये गुफा है, ये अभी आपको बंद दिख रहा होगा, लेकिन कहते हैं कि इस साइड जो है, इस साइड जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक द्वार है, वहाँ से अंदर जाता है। और ये चोटी के अंदर ही अंदर, ये तो टॉप है, छत है उसकी, इसके अंदर ही अंदर वो सारा किला है। और ये बस ऊपर का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से भी बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलते हैं, वही देखने के लिए हम लोग आए थे। पूरा लोहा घाट चारों तरफ से दिखता है, क्योंकि ये यहाँ पे जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनमें से एक सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी की चोटी पे बना हुआ है। इसको बोलते हैं वाणासुर का किला या बाणासुर का किला। ओके ये देखो हम इतनी ऊंचाई पे आए हैं, लेकिन ये उससे भी टॉप पे जा रहे हैं सारे बच्चे वहाँ। हाँ और दिखाता हूँ मैं आपको इस साइड के भी नज़ारे, देखो पूरा लोहा घाट दिखता है, ऐसे पूरा लोहा घाट। यार ये देखो हम वहाँ से, अगर आपको रास्ता दिख रहा होगा, वहाँ से हम लोग आए चलते हुए, 2 किलोमीटर है मोटा मोटा। ये पूरे नज़ारे, अनिल लव ये कुवल अपने नानू के साथ है। कुजी क्या कर रहे हो आप? भाई नानू के साथ ऊपर घूम रहे हो आप? पीछे खड़े होके चलो पकड़ो, एक-एक करके। अभी हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमें ये पत्थर दिखा, ये पत्थर पे अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप देखना, ये एक फेस बना हुआ है किसी का, राक्षस टाइप का, जैसे कि ये हो गई उसकी नाक, ये उसकी मूछें हो गई, ये कान है उसके खड़े खड़ुए, ये आईब्रो हैं, आईब्रो जिसको भो बोलते हैं ऊपर की। तो ये
और ये पत्थर पूरा, या तो मेरे को ये लग रहा है जैसे चौखट होती है या फिर जैसे खिड़कियों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उसी में कहीं हुआ था ये। अभी फ्लैट टूटा हुआ ये वैसे ढूंढे तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। वैसे तो पौराणिक कथाएँ हैं, बुज़ुर्गों द्वारा कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, नहीं तो ऐसा यहाँ पे कौन कंस्ट्रक्शन करता है यहाँ पे इस तरीके का। और ये पत्थर का बना हुआ सारा का सारा। फार्म में नहीं, मायावती आश्रम में, ये मायावती आश्रम है, यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ से हम सीढ़ियों से ऐसे चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे। अच्छा कोवी, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? फूल। चलो आओ, चलो फूल दिखाता हूँ आपको। ये लोहा घाट में एक और जगह है, मायावती धर्मार्थ अस्पताल, और यहाँ पे आश्रम है पूरा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, और कहा जाता है यहाँ पे फूल भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। देखते हैं, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, चलते हैं आगे देखते हैं। गूगल चल रहा है हमारा। चलो बेटा जी, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा था जो एक और पहाड़ी पे गए थे वहाँ पे भी कुवल बहुत, कुवी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलो। और कुवी इतना घूम रहा लेकिन थक नहीं रहा। चलो बेटा जी, कुवल जो है सरपट सा दौड़ा दौड़ा जा रहा है। अभी जो मायावती का आश्रम है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को भी नहीं है कि यहाँ पे क्या है, बस सुना है कि ये हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे आश्रम भी है। मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, बाकी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। और कुछ लोग पीछे हैं जो आ रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ क्या हमारा कुजी कुवी, कुवी आपको, आप थके नहीं हो अभी, थकान नहीं हुई? चलो दौड़ो, हाँ नानू वहाँ पे है, चलो फिर आप भी नानू के पास जाओ, जाओ दौड़ो दौड़ो। हाँ नहीं, दौड़ने का मतलब ये नहीं, संभाल के चलना। ये इतिहास है मायावती जी के आश्रम का, यही लिखा हुआ है इसमें, जो श्री राम कृष्ण जी हैं उनके जो सबसे प्रधान शिष्य है स्वामी विवेकानंद जी, और उनके और भी शिष्य यहाँ पे समय समय पर आकर रहते हैं थे, निवास करते थे। 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 तक मायावती जी के आश्रम में आकर रहते स्वामी विवेकानंद जी, और इनके अतिरिक्त यहाँ से श्री कृष्ण तथा स्वामी विवेकानंद के विषय में प्रमुख संदर्भ ग्रंथ और गीता उपनिषद, हाँ बेटा जी मैं चल रहा हूँ, ब्रह्मसूत्र तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी प्रकाशित होते हैं। तो ये कुछ इतिहास है इसका, तो चलिए चल के देखते हैं। ठीक है बेटा जी, चलो। ओके चलो चलते हैं, और भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, हम भी चल के देखते हैं। कुछ तो भागा भागा फिर रहा है। तो हम जैसे बताया था कि मायावती के आश्रम आए थे हम, यहाँ पे जो है अभी सर्दी का सीज़न है, पतझड़ का है, तो यहाँ पे फूल वगैरह लगते रहे कि वो नहीं लग रहे, लेकिन यहाँ पे एक जगह है थोड़ी सी ये भी घूमने के लायक है। देखो नज़ारे देखो आप यहाँ पे, ये रखा ही ये रखा, सूरज की तरफ देखेंगे तो लाइट, ये देखो कितना गहरा है, कितना गहरा है। ये है पूरा आश्रम, ये पूरा आश्रम है। जैसे मैंने बोला पतझड़ का सीज़न है तो यहाँ पे फूल लगते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो अभी नहीं लग रहे। अगर यहाँ पे अगर फूल भी देखने आपको ऐसे ही जो मौसम होता है वो होता है जून जुलाई का। तो बस कोई नहीं, जून जुलाई में आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया सीज़न होता है घूमने का। यहाँ पे जो है